पे बच्चे बैठे हुए टीवी देख रहे हैं और साथ में जूस पी रही है। जेना क्या पी रही हो? किसने दिया? ठीक करती हूँ, बस पियो। वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर ऑफिस से अंदर जहाँ कहीं पे भी होंगे अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय करेंगे। ज़िंदगी का मज़ा इसी चीज़ में है कि अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय किया जाए। आज मैं आपके साथ एक न्यू ब्लॉग और रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज जो मैं रेसिपी लेके हाज़िर हुई हूँ वो है देसी चिकन की, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं किचन में। यहाँ पर देसी चिकन बन रही है, इसके लिए हमने ले लिया है यहाँ पे अदरक लहसुन और प्याज, सारा ब्राउन किया जा रहा है। इसको मैं हिला रही हूँ यहाँ पे। देसी चिकन जो थी बॉईल करके रख दी है, ये बहुत मज़े की रेडी होती है। यहाँ पे धनिया पुदीना वगैरह इसमें डालेंगे, ये टमाटर डालने वाले हैं जिनको काट के हम डालेंगे। और यहाँ पे ये चिमची लगाई गई, इससे ये होता है कि किचन में बड़ी अच्छी रहते हैं सर्दी, मतलब मौसम जो होता है ठंडा रहता है, गर्मी नहीं लगती है, स्पेशल ही काफ़ी किचन में सुकून देती है, हवा दार भी काफ़ी है। अब यहाँ पे इसको मैं अच्छे से ब्राउन करूँगी, जैसे ये ब्राउन हो जाएगा तो इसके अंदर टमाटर जाएंगे। बहुत मज़े की ये देसी चिकन भी रेडी होती है। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। चलो हमारे चैनल पर नए आए हैं लाइक शेयर कीजिए। फ्रेंड्स टमाटर मैंने ऐड कर दिए हैं, अब इसके अंदर बस सिंपल जाएगा लाल मिर्च पाउडर और साथ में जाएगा नमक। फिर टमाटर को आपने अच्छे से भून लेना है, टमाटर बिल्कुल पक जाएंगे तो तब हम इसके अंदर चिकन जो हमारी देसी चिकन है वो ऐड करेंगे। बहुत मज़े की ये रेसिपी है, जरूर ट्राई कीजिएगा। आज के ये रेसिपी मेरी आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत जल्दी ये रेडी हो जाती है, बस आपने ये करना है कि जो आपकी देसी चिकन होगी उसको आपने बॉईल कर देना है। अगर आप बॉईल नहीं करेंगे तो ये पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो आपने इसको एक बार कुकर में चढ़ा देना है और 5 मिनट के लिए पकाना है। अगर आप कुकर में नहीं चढ़ा रहे तो इसी तरह सिंपल बॉईल कर दें, जैसे आपको बेहतर लगे उस हिसाब से आपने बॉईल ला सकते हैं। अब इसके अंदर मैं नमक और मिर्ची ऐड कर दूँगी, टमाटर को अच्छे से मिक्स कर दूँ ताकि मेरे टमाटर अच्छे से गल जाए। आजकल दिल चाह रहा था देसी चिकन खाने का, तो मैं उनका बनाऊँ तो आपसे भी जैसे भी शेयर कर दूँ। कम ही लोग खाते हैं गर्मियों में, पर अच्छी लगती है। आज मौसम फिर बेहतर है कराची का, कल बहुत गर्मी थी, आज मौसम अच्छा है। अच्छे से मिक्स करेंगे, मैं इनको थोड़ी देर बंद करके रख लूँगी ताकि टमाटर मेरे अच्छे से पक जाए। चलो मेरे चैनल पर नए आए हैं लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें जैसे मैं आपको करती हूँ। सब एक दूसरे को सपोर्ट किया करें, सपोर्ट करने से ही सबको कामयाबी मिलेगी, ये नहीं तो एक दूसरे को पसंद करें। जी जो मैंने नमक मिर्ची मैंने ऐड कर दिए हैं, मिर्ची आपने जो मोटी कुटी हुई थी वो ऐड करनी है हमने। अब इसके अंदर पानी जाएगा ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाए। अब इसको थोड़ी देर ढक के रख लेंगे, जैसे ही टमाटर गल जाएंगे तो इसके अंदर हम चिकन को ऐड कर लेंगे। चिकन को ऐड कर दिए, अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद थोड़ी देर पानी डालेंगे और ढक के रखेंगे तो हमारी चिकन रेडी हो जाएगी। तो पानी में ऐड करें, अभी हम इसको ढक के रखें, पानी
5 मिनट बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे।